जो परिवार आज यहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र से और कई और हिमाचल के अलग अलग कोनों से भी यहां पर आप अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए हमको यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले एक नारा दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। मैं कहूंगा मंडी की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। मंडी की जनता को, मंडी की जनता को, मंडी की जनता को। प्रिय साथियों, आज ये मैंने अपने जब आपको आमंत्रित किया था, मैंने उस समय कहा था ये कोई नॉमिनेशन का कार्यक्रम ही नहीं है। नॉमिनेशन का कार्यक्रम होता अगर तो हम केवल डीसी ऑफिस में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देते और वहां से ही हम अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर देते। मगर ये जो आज यहां पे कार्यक्रम रखा है, ये एक संकल्प है, एक संकल्प है हिमाचल प्रदेश के लिए, एक संकल्प है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए, एक संकल्प है इस प्रदेश की आने वाले समय की नींव को और मजबूत करने के लिए और एक भविष्य में एक खूबसूरत निर्माण, एक खूबसूरत इमारत का निर्माण करने का संकल्प है। और वो संकल्प अकेले विक्रमादित्य सिंह नहीं लेगा, वो संकल्प हिमाचल प्रदेश का हर जनता लेगी, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र का हर जनता ये संकल्प लेगा कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं तथ्यों के ऊपर कहने में विश्वास रखता हूं, दो बार मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मेरी प्रबुद्ध जनता शिमला ग्रामीण के लोगों ने जिताया है, अपना मान सम्मान दिया है। मैंने उनको भी ये बात कही कि जो हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आज हम एक संकल्प लेंगे और सभी देवी देवताओं को साक्षी लेते मानते हुए एक संकल्प लेंगे कि हमने आने वाले समय में जो भी कठिनाइयां आएगी, जो भी मुश्किलात आएंगे, जो भी मुश्किल समय आएंगे, मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर वन संसदीय क्षेत्र हमने आने वाले समय में बनाना है। मंडी संसदीय क्षेत्र जो भौगोलिक परिस्थिति से देश का सबसे बड़ा इलाका है, आने वाले समय में लोकसभा के अंदर मंडी का डंका बजेगा, ये मैं विश्वास विक्रमादित्य सिंह आप लोगों को देना चाहता है। हम नफरत की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम निंदा की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम इलाकावाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये सोच, ये सीख मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है, जिन्होंने हमेशा ये बात कही एक हिमाचल सर्वश्रेष्ठ हिमाचल और समत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास, ये नारा राजा वीरभद्र सिंह जी का था, जिसे आगे ले जाने का कार्य आज मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है, हम सब ने मिलकर करना है और नई ऊंचाइयों पर मंडी संसदीय क्षेत्र को आने वाले समय में पहुंचाना है। जैसा यहां पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने कभी भी ये दिल्ली जाकर नहीं कहा कि मुझे आप यहां से टिकट दें, मुझे तो शिमला ग्रामीण के जनता ने जिताया, दो बार जो है विधायक बनाया, सरकार में मंत्री वर्तमान में मैं हूं और प्रदेश की जनता का हम निरपक्ष तरीके से सेवा करने में अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। अभी आपदा का दौर आया, मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में बड़ी लंबी बात करी, मैं फिर से उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, समय भी ज्यादा हो गया है, मगर मैं ये कह सकता हूं कि हमने निष्पक्ष तरीके से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि मुझे दुख है कि अगर आपदा में सबसे ज्यादा कहीं नुकसान हुआ तो मंडी संसदीय क्षेत्र का हुआ, चाहे वो कुल्लू में था, चाहे मनाली में था, चाहे रामपुर के इलाके में था, चाहे आपके बंजार में था, सैंज में था, भामला में था, हर इलाके में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे। एक समय था जब 4,500 सड़कें 4,500 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद हो गई थी, दिन रात हम अपने अधिकारियों के साथ बने रहे, दिन रात हम अपने
जो है वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट वर्कर्स, केवल अधिकारी नहीं, आपने कई हमारी पिक्चर्स देखी होगी, हमने अपने एसडीओस को, अपने जेईस को उनकी हौसला अफजाई करी कि आप पीडब्ल्यूडी का परिवार है, उनकी हमने जो है हौसला अफजाई करी और दिन रात उन्होंने मेहनत करी। जहां पे हमने टारगेट दिया कि 24 घंटे के अंदर ब्रिज पूरा होना चाहिए, वहां पर उन्होंने 12 घंटे के अंदर ब्रिज पूरा किया। जहां पे हमने कहा एक महीने के अंदर, ठियोग में हमारा ब्रिज टूट गया था, हमने कहा कि एक महीने के अंदर पूरा होगा और रिकॉर्ड आपके 24 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उस काम को करके दिखाया। यहां पर अगर चाहे बंजार में सेंच घाटी की बात हो, सेंच आप जानते हैं एक समय में पूरा का पूरा इलाका कट गया था, 4-5 दिन तक लोगों की वहां से आवाजाही बंद हो गई थी। हम वहां पे लोगों के बीच में गए, वहां पे पुल बनाने का निर्माण बेली ब्रिज का करवाया, सड़कों का निर्माण जो है वो पूरी मजबूती से किया। आपके आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका मैं दिल की गहराइयों से बहुत मान सम्मान करता हूं, श्री जयराम ठाकुर जी, उनके इलाके में सिराज में आपने देखा थुनाक के अंदर कितना नुकसान हुआ, 2-2, 3-3 फीट का कीचड़ वहां पे पैदा हो गया था, जो है ऊपर से मक आ गया था, मगर हम वहां पर जो है दिन रात वहां पे लगे रहे, वहां पे मशीनरियां लगाई, वहां पे सड़कें साफ करवाने का कार्य किया। चाहे वहां पे पीडब्ल्यूडी के डिवीजन में पैसा देना हो, चाहे वहां पे जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे ज्यादा पैसा अगर आपदा में कहीं बटा है, और ये रिकॉर्ड पर मैं बात कह रहा हूं, आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं कि अगर सबसे ज्यादा पैसा आपदा का कहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बटा है तो वो सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर बटा है। ये दुख का विषय भी है क्योंकि नुकसान में ये पैसा गया, मगर गर्व है हमें ये कहते हुए कि हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास रखा है, और आने वाले समय में भी मैं अपना विजन, अपनी सोच आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो आने वाले समय में नेतृत्व करेगा वो क्या विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए। नंबर वन, प्रायोरिटी नंबर वन, जिस दिन हम यहां से जीतेंगे, जिस शेरी मंच में हम बैठे हैं, जिस ऐतिहासिक मंडी शहर में हम बैठे हैं, जहां पे देवी देवताओं का मंदिरों हर उनका कण कण में देवी देवताओं के का निवास है, ये मेरा वादा है कि जैसे ही हम जीतेंगे मंडी को स्मार्ट सिटी के अंडर लाना हमारी नंबर वन प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। ये क्योंकि मैं प्रदेश का वर्तमान में शहरी विकास मंत्री भी हूं, और जैसे धर्मशाला के अंदर कुल्लू के आपके सॉरी शिमला के अंदर जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया गया है, ये मेरा विजन है। क्योंकि जब मैं पीछे आपदा के दौर में जो हमारा नीचे पंचवक्तर का मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर जाकर हमने वहां की दयनीय परिस्थिति को देखा, मैंने उसी दिन ये प्रण ले लिया था कि जैसा हमारा साबरमती का रिवर फ्रंट है, वैसा बढ़िया रिवर फ्रंट ब्यास पर जो है वो पंचवक्तर मंदिर में बनाया जाएगा, और मंडी को ये हमारी सौगात आने वाले समय में मंडी शहर के लिए होगी। ये प्रायोरिटी नंबर वन है। प्रायोरिटी नंबर दो, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ब्यास नदी की वजह से हुआ है। पिछले कल मैं रात को जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके साथ बैठकर भी चर्चा कर रहा था, उन्होंने भी हमें बताया कि इस विषय को हमने प्राथमिकता पे केंद्र सरकार से उठाया है, हमारे ब्यास नदी का चैनलाइजेशन, ये इसके लिए कम से कम 2,000 करोड़ रुपए लाना, ये हमारी नंबर दो प्राथमिकता जो है वो ब्यास नदी के चैनलाइजेशन के लिए रहेगी, ताकि आने वाले समय में जो त्रासदी हमको देखने को मिली ये आने वाले समय में इलाके के लिए ना हो। ये मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए प्रायोरिटी नंबर दो है। प्रायोरिटी नंबर तीन, आपका कुल्लू का इलाका है जो हमारा मंडी से जुड़ता है, इसके लिए बहुत लंबे समय से आपके द्रंग के इलाके से, ब्रोट वैली से कुल्लू के लग वैली के लिए जो है बूबू जो टनल, जो हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट के लिए
एक बहुत महत्वपूर्ण टनल साबित होगी। इस बुबू ज्योत का टनल हमारी उस इलाके के लिए नंबर 3 प्राथमिकता के ऊपर इस चीज को हम कार्य करेंगे। वैसे ही हमारा दूसरा छोर जो मंडी क्षेत्र का है, जो हमारा आनी का इलाका है, हमारे बंजार का इलाका है, वहां पर जलोड़ी जोत टनल का निर्माण आने वाले समय में हमारी नंबर 1 प्राथमिकता उस क्षेत्र के लिए रहेगी। और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूं, अभी वर्तमान में मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री हूं। इन सब बातों की नींव हमने पहले ही रख दी है। जब मैं जिस दिन मैं मंत्री बना, हमको कुल्लू के लोग मिले, आनी के लोग मिले, आउटर सराज के लोग मिले और उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह जी, ये जो नेशनल हाईवे आपका लारजी से ओट को जोड़ता है, ये वीरभद्र सिंह जी की देन है। जब यूपीए की सरकार थी और आज वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, उस समय जो है कमलनाथ जी के माध्यम से इसको नेशनल हाईवे बनाया गया था। अब समय आ गया है कि हमें इसमें जलोड़ी जोत टनल का निर्माण करना है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने पहले ही कर दिया है, जिसका अभी जो है एक कंसल्टेंसी सर्विस का कार्य चला हुआ है। और जैसे ही हम यहां से जीत कर जाएंगे लोकसभा के अंदर, पहली प्राथमिकता मेरी उस क्षेत्र के लिए, जलोड़ी जोत क्षेत्र के लिए ये रहेगी। वैसे ही हमारा बहुत सा दूर दराज का इलाका पांगी भरमौर का आता है। अभी हम कुछ ही दिन पहले हमारे दूर दराज के भरमौर के इलाके में गए, पांगी के इलाके में गए, वहां पर क्योंकि मेरे पिताजी का एक विशेष लगाव, एक विशेष प्यार जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के प्रति रहता था, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आखिर मेरे अंदर भी खून राजा वीरभद्र सिंह जी का ही है। वही प्यार, वही विश्वास आपके जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ भी हमारा पूरे रूप से बरकरार रहेगा। ये सौगंध आप लोगों के बीच विक्रमादित्य सिंह जो है वो लेता है कि हम उनके दिखाए हुए वचनों पे चलेंगे। चाहे वो होली उतराला सड़क है, उसके निर्माण के लिए हम प्राथमिकता पे कार्य करवाएंगे। पांगी घाटी से आपके चुरा में, तीसा में टनल का निर्माण हम आने वाले समय में पूरी मजबूती से, चैनी पास जो टनल है उसका निर्माण आने वाले समय में करवाएंगे। ये मेरा वादा पांगी के लोगों से है। आज यहाँ पर हालांकि कम संख्या में वहां से लोग आए हैं क्योंकि बहुत दूर का इलाका है, मगर इस शेरी मंच का ऐतिहासिक मंच से मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समस्त मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल मंडी शहर है और मंडी शहर का दिल शेरी मंच है। इसलिए यहां से जो बात गूंजेगी वो हर संसदीय क्षेत्र के, हर इलाके के लिए जानी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते। हमारा सरका घाट का इलाका है, हमारा जोगिंदर नगर का इलाका है, हमारे बहुत से सम्मानित पूर्व में जो हमारे सैनिक, हमारे एक्स सर्विस मैन है, बहुत बड़े मात्रा में उस क्षेत्र में रहते हैं। और हमने जो चर्चाएं हमारे एक्स सर्विस मैन से करी है, पूर्व सैनिकों से करी है, उन्होंने डिमांड रखी है प्राथमिकता पे कि हमारा CSD का अभी तो कैंटीन है, मगर आने वाले समय में CSD का डिपो सरका घाट के अंदर या जोगेंद्र नगर के क्षेत्र में बनना चाहिए। ये मेरा वादा है पूर्व सैनिकों को कि हम इस विषय को जैसे ही हम यहां से जीत कर जाएंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री से हम मिलेंगे और वहां के लिए CSD का डिपो लेकर आएंगे। ये मैं पूरा विश्वास हमारे पूर्व सैनिकों को दिलाना चाहता हूं। वैसे ही 1 rank 1 pension का मसला है, हालांकि ये कोई मंडी संसदीय क्षेत्र का मसला नहीं है, मगर पूरे देश का मसला है। इसको भी हम आने वाले समय में पूरा इसमें योगदान देने का प्रयास करेंगे। और वैसे ही जो हमारे एक्स सर्विस मैन का, जो अग्निवीर का, सॉरी एक्स सर्विस मैन नहीं, जो हमारी नई रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो अग्निवीर योजना, जिसमें 3 साल की योजना ये सरकार लेकर आई है, युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंकने का कार्य कर रही है, इसके खिलाफ पूरी मजबूती से हम आवाज उठाएंगे। पहले ही हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारे राष्ट्रीय के नेता है, वो ये बात कह चुके हैं कि अग्निवीर योजना में तब्दीली लाकर
जो है इसका सर्विस पीरियड बढ़ाया जाएगा, इसका हम पूरे रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य की बात तो है ही, मगर युवाओं के भविष्य के साथ साथ ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है। क्योंकि अगर हमारे जवान जो 3 साल के लिए नौकरी करते हैं वो इतने मोटिवेटेड नहीं हो पाते कि सरहद पर जाकर लड़ाई लड़े, इसलिए दिन रात सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने जवानों की सुरक्षा हो, उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, ये दायित्व केंद्र सरकार का बनता है। और अग्निवीर के इस योजना के बारे में हम प्राथमिकता पे लोकसभा में इस विषय को आने वाले समय में उठाएंगे, ये भी मैं आपके बीच में जो है वो पूरी मजबूती से कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा भाइयों और बहनों, हम जो यहां से पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, उनका जैसा मैंने कहा कि बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर उनको अपना प्रत्याशी बहुत सोच समझ के लाना चाहिए था। मैं ज्यादा उसके बारे में अभी नहीं कहना चाहता क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार पूर्वक उसमें अपनी बात कह दी है, मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा और टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, युवाओं से पूछना चाहूंगा, ठीक है आप एक बंबई से हाई प्रोफाइल बॉलीवुड अभिनेत्री को यहां पे ले आए, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका अधिकार है, भाजपा का अधिकार है, मैं उसमें कोई टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तो उनका उन अभिनेत्री का मान सम्मान करता हूं, मैंने तो उनको कहा कि ये मेरी बड़ी बहन है और कोई भी उनके खिलाफ कोई अपद्याजनक कोई टिप्पणी करेगा तो विक्रमादित्य सिंह उनका विरोध करेगा, ये मैंने कहा है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, 1 महीना हो गया है भाजपा की नेत्री का टिकट घोषित हुए, 1 महीना हो गया है, आप भी सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं और तरीके से उनकी बात को भी सुन रहे हैं, सुबह से शाम जो भी भाषण वो देती हैं, या तो मोदी जी का गुणगान करते रहती है या हमको सुबह से शाम तक गालियां देती रहती है। क्या गालियां देकर वोट मिलेंगे? क्या गालियां देकर अभद्र भाषा का प्रयोग करके हमारे निजी जीवन के ऊपर टिका टिप्पणी कर क्या मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का विकास होगा कि नहीं होगा? ये चीज मैं कंगना रनौत जी से पूछना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति से बंधे हुए लोग हैं, हमारी पेशेंस को टेस्ट ना करें, हम मर्यादा में रहने के विश्वास रखते हैं। आप तो अभी चुनावों में आकर ही प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं, मगर हम प्रभु राम के सोच से बंधे हुए हैं, मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। और मैं अपनी बड़ी बहन से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे अपनी मर्यादा को पार करने के ऊपर मजबूर ना करे, ये मैं उनको विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा। आप विकास के मुद्दों की बात करें, 1 महीना हो गया है उनको प्रत्याशी घोषित हुए, मैं मीडिया से पूछना चाहूंगा, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या विजन उन नेत्री का मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है? क्या एक भी बात, एक भी विषय, चाहे हमारे कर्मचारियों का, चाहे हमारे एक्स सर्विसमैन का, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, चाहे हमारे युवाओं का विजन क्या है? आखिर विजन है क्या? ये चीज मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता कंगना रनौत जी से पूछना चाहती है। यहां पर केवल आकर फिल्म की शूटिंग करके 1 महीने लाइट कैमरा एक्शन करके ये काम नहीं बनने वाला है। ये मंडी की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, प्रबुद्ध जनता है, हर चीज को जानती है। और मैं इस मंच से एक और संकल्प लेना चाहता हूं कि हम आपके बीच खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, जब चुनाव जीते तब भी आपके साथ खड़े थे, 1998 में श्रीमती प्रतिभा सिंह ने अपना पहला चुनाव लड़ा, उस समय वो नहीं जीत पाई, मगर फिर भी आपके साथ दिन रात खड़ी रही,
2004 में फिर से लोकसभा की जो है सांसद बनी, 2009 में जो है राजा वीरभद्र सिंह जी यहां से फिर से सांसद बने, 2014 में चुनाव हुए यहां से वो नहीं जीत पाई, मगर फिर भी दिन रात आप लोगों के साथ खड़ी रही। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। राजा वीरभद्र सिंह जी का परिवार आपके साथ चट्टान की तरह हर परिस्थिति में खड़ा है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आपसे ये निवेदन है, क्योंकि अब चुनाव मुद्दों के ऊपर नहीं हो रहा है, चुनाव धर्म के नाम पे लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जातिवाद के नाम पे प्रयास किया जा रहा है, मगर मैं उन ताकतों को जो हमारी देव संस्कृति को ललकार रहे हैं, मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के अंदर अगर देव सदन का निर्माण किसी ने किया, किसी ने सोच रखी हमारे मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए, निर्माण के लिए सैकड़ों करोड़ अगर किसी सरकार ने दिए, कुल्लू के अंदर अगर भव्य देव सदन किसी ने बनाया, कुल्लू दुशहरे के अंदर अगर हमारे जितने भी देव कार्यज के लोग आते हैं उनको नजराना देने का कार्य किसी ने शुरू किया, और सबसे बड़ी बात 2005 में अगर किसी सरकार ने, किसी व्यक्ति ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आए तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लाया। इसलिए हमको किसी भी हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की ये कोशिश ना करे, और ये भूल जाए हम विनम्रता से आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, आपका समर्थन भी प्राप्त करेंगे। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि हिमाचल से जब 22 जनवरी को अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया था तो केवल एक व्यक्ति को, एक राजनेता को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया था, वो विक्रमादित्य सिंह था। हम वहां पर गए, हमने अपनी आस्था को वहां पे प्रकट किया, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया, और अयोध्या में 22 जनवरी को ही मैंने ये प्रण ले लिया था कि मंडी संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में हिमाचल का और देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनेगा। ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, मां भीमा काली का आशीर्वाद हमारे साथ है, तारना माता का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हमको जीतने से, और मैं जब जीतने की बात करता हूं तो विक्रमादित्य सिंह नहीं जीतेगा, ये चुनाव मंडी संसदीय क्षेत्र के 16 लाख लोगों का है, ये जीत मंडी संसदीय क्षेत्र के 16 लाख लोगों की होगी, और मिलकर यहां के विषयों को हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जैसा मैंने कहा जब मैं पहले विपक्ष में विधायक भी था, उस समय भी मैंने बेबाकी से, मेरा एक ही नारा रहा है जीवन का, सही का समर्थन और गलत का विरोध। जब देश के अंदर मैं विपक्ष में था, कांग्रेस का विधायक था, धारा 370 को हटाया गया, विक्रमादित्य सिंह ने उसका समर्थन किया और यह कहा कि राष्ट्रहित के लिए कोई भी कार्य किया जा रहा है हम उसमें कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भारत की एकता, भारत की सार्वभौमता, भारत की यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है। आज जयराम जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में हम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिमाचल के लिए, मेरे विभाग के लिए 3500 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए लेकर आए, हिमाचल की सड़कों का निर्माण करवाया, करीबन 2800 किलोमीटर सड़कों का
अपग्रेडेशन हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 महीने के कार्यकाल में किया है। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। हमने एक बार जब किसी पद के ऊपर बैठ गए, जो सीख मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी थी, एक बार अगर आप किसी पद के ऊपर बैठ जाए तो कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, हिमाचल प्रदेश का पूरा परिवार आप लोगों का है। और उसी नजरिए से हम 3500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आए। आपदा के दौर हुआ, मैं दिल्ली गया, प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ आई, मैं नितिन गडकरी जी से मिला, उनके घर पे मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सारे अधिकारियों को बुलाया और मैंने उनसे निवेदन किया, गडकरी साहब आप जल्द से जल्द हिमाचल आने का कार्यक्रम बनाए, मंडी आए, कुल्लू आए, बंजार आए, आनी आए, क्योंकि इतना नुकसान वहां पर हुआ। और आपने अभी देखा कि वो आए, और अभी जब हमारा नॉमिनेशन हो रहा था, सॉरी, जब हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक हफ्ता पहले नितिन गडकरी जी जो है वो आपके हमीरपुर में आए। हमने निवेदन किया उनसे कि हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमको और पैसा चाहिए, और गडकरी साहब ने मंच पर आकर ये कहा कि विक्रमादित्य सिंह के विशेष निवेदन पर मैं अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा करता हूं। ये बातें मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास करने में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए कोई इलाका गैर नहीं है, कोई इलाका अछूता नहीं है, सारा इलाका बराबर है। और मैं मंडी की प्रभु जनता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता, राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से 1971 में करी थी। कई बार यहां से वो सांसद रहे, विधायक रहे, विधायक नहीं रहे, सांसद रहे, और केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सेवा यहां के लोगों की करी। मैं आज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको केवल ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, और आपकी निंदा भी चाहिए। निंदा भी करनी है, क्योंकि भाजपा में तो निंदा होती नहीं है, यहां पे निंदा होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा, रहीम का दोहा है, निंदक निये ना राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सफाई। जो व्यक्ति निंदा करता है उसको साथ रखो, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा हितेशी है। जो आपको अच्छी अच्छी बातें करता रहेगा वो कभी भी आपका हितेशी नहीं हो सकता है। इसलिए कड़वी बात भी आप हमसे कर सकते हैं। आपके परिवार का मैं बेटा हूं, आपका भाई हूं, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे या ये लगा कि कोई विक्रमादित्य सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि ऐसे नहीं, इस कार्य को ऐसे किया जाए, ताकि मिलकर हम अपने मंडी को, अपने इलाके को, मंडी संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तो ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह, विनम्र निवेदन है। यहां से हमारे पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत दिग्गज नेता रहे हैं, स्वर्गीय पंडित सुखराम जी, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं और उनको भी याद करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी ताउम्र कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे, और जो भी वो पद पे बैठे, चाहे सांसद का पद हो, चाहे केंद्रीय मंत्री का पद हो, चाहे जो वो टेलीकॉम रेवोल्यूशन लेकर आए, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई में ये कार्य उन्होंने किया। हम उनके कार्यों को भी आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है, ये भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसा मैंने कहा, ये कोई नामांकन की रैली नहीं है, ये संकल्प रैली है, और ये ऐतिहासिक संकल्प दिवस पर हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के संकल्प के विकास का संकल्प लेकर यहां से अपने अपने घर जाना है,
अपने अपने इलाके में जाना है और विकास की गंगा पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में बहानी। आप सबका मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दो मिनट अपने जगह पे खड़ा होकर, दो मिनट अपने अपने जगहों पे खड़ा होकर मैं एक नारा फिर से दूंगा। आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंडी की जनता को, मंडी की जनता को, मंडी की जनता को, एक अंत में हमारे जो शहर के कारोबारी है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो कल मुझे मिले थे, कल कह रहे थे कि लीडर में देते थे, हम सबको नाम लेते हैं, कर्मचारियों का लेते हैं, एक्स सर्विस मैन का लेते हैं, बागवानों का लेते हैं, किसानों का लेते हैं, मतलब कारोबारियों का नाम नहीं लेते, तो मैं विनम्रता पूर्वक कारोबारियों का भी नाम लेता हूँ और उनका भी ये विश्वास जाता हूँ कि जो आपके मसले हैं हमारे कारोबारियों के, उनको भी आने वाले समय में हम केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से उठाएंगे। आप सबको एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।